जिस तरह से बॉलीवुड में दबंग खान की दबंगई हर तरफ मशहूर है, उसी तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी यही अदा मशहूर है। कंगना अपनी फिल्मों के लिए कम, विवादों के चलते ज्यादा सुर्खियों में रहती है। उन्होंने कहा था कि जब वो बॉलीवुड में नई थी तो उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, तो लगता है तभी वो दबंग बन गई है ताकि कोई उनके सामने खड़ा ना हो सके। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी गार्गी, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। तभी तो कंगना का दूसरा नाम बॉलीवुड में कंट्रोवर्शियल क्वीन भी है और इस छवि से उनके करियर को कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ है। फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से कतराने लगे हैं। तभी कंगना ने बीते 10 सालों में सिर्फ एक सुपरहिट, एक हिट और एक एवरेज फिल्म दी है। पिछले साल वो फिल्म तेजस में नजर आई थी जो कि फ्लॉप रही। इससे पहले रिलीज हुई धाकड़ ने तो सिर्फ 3 करोड़ ही कमाए थे। वैसे फ्लॉप फिल्मों के बावजूद कंगना अब भी बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस में से एक है। जी हाँ, उनकी एक फिल्म की फीस 15 से 17 करोड़ रुपए तक है। पिछले कुछ सालों में कंगना के करियर में डाउनफॉल देखने को मिला है। 10 सालों में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म तन्नु वेड्स मन्नू रिटर्न्स ही सुपरहिट रही। इससे पहले 2014 में आई क्वीन हिट साबित हुई थी। 2019 में आई उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी एवरेज साबित हुई थी। मणिकर्णिका के बाद पिछले 5 साल में कंगना की 5 फिल्में रिलीज हुई और सभी फ्लॉप रही है। कंगना की अपकमिंग फिल्मों की बात की जाए तो इसमें फिल्म इमरजेंसी का नाम सबसे ऊपर है। फिल्म में कंगना इंदिरा गांधी के किरदार निभाती हुई नजर आएंगी। फिल्म पिछले साल रिलीज होने वाली थी लेकिन ये टल गई। अब ये फिल्म 14 जून 2024 को रिलीज की जाएगी। इसके अलावा कंगना के पास एक अनटाइटल्ड फिल्म है जिसमें वो आर माधवन के साथ फिर से नजर आएंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंगना के पास अभी इमरजेंसी के अलावा 2 फिल्में ही हैं। वैसे कंगना के करियर में डाउनफॉल की एक वजह उनकी विवादित छवि है, जिसके चलते फिल्म मेकर्स उनको अपने फिल्मों में लेने से कतराते हैं। यही वजह है कि कंगना ने 2020 में खुद का प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स खोल लिया था। इसके बैनर तले उन्होंने फिल्म टीकू वेड्स शेरू बनाई थी। कंगना और विवाद का पुराना रिश्ता है। तभी तो कंगना ने नवंबर 2021 में एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा था कि भारत को आजादी भीख में मिली है। इस विवादित बयान के बाद राजस्थान के 5 शहरों में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसके बाद कंगना पर क्रांतिकारियों का अपमान करने और संविधान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे थे। कई लोगों ने तो कंगना को देशद्रोही का टैग दे दिया था। तो वहीं 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर कंगना ने कहा था, ये भयानक है, इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इससे भी बड़े लेवल पर गुंडई दिखाने की जरूरत है। इस बयान से मई 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता रिजु दत्ता ने कोलकाता में कंगना के खिलाफ हेट स्पीच देने की शिकायत दर्ज की थी। 2020 में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस बात पर भड़कते हुए कंगना ने उस पर महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे के लिए कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कंगना ने जावेद अख्तर पर कई आरोप लगाए थे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म के मुद्दे पर एक बार फिर हवा दे दी थी। उनका कहना था कि सुशांत को धमकाया जा रहा था, साइडलाइन किया जा रहा था और मूवी माफिया से उनकी जान को खतरा था। और ये विवाद तो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 2016 में कंगना ने खुलासा किया था कि वो ऋतिक रोशन को डेट कर रही थी। फिल्म क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान दोनों रिलेशनशिप में थे और ऋतिक ने उनसे शादी का वादा किया था, लेकिन बाद में इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया था। वहीं ऋतिक ने इन दावों को झूठा बताते हुए कंगना के खिलाफ साइबर स्टॉकिंग और हैरेसमेंट का केस दर्ज करवाया था। वैसे आपको बता दें, कंगना के पापा ने उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में करवाया था। कंगना को मेडिकल की पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो स्कूल में फ्रेशर्स नाइट फेयरवेल पार्टी में भी मॉडलिंग करती थी। कंगना को मॉडलिंग इतनी पसंद आने लगी कि उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तब पापा अमरदीप को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने बेटी की पिटाई की, लेकिन कंगना पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
15 साल की उम्र में कंगना फैमिली को बिना बताए दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में काफी मेहनत करने के बाद एक्टिंग करने का मौका मिला। 5 से 6 महीने के बाद एक्टिंग वर्कशॉप के अरविंद गौर ने कंगना को मौका दिया। बैकस्टेज एक्टिंग करते करते कंगना को एक बार एंकर बनने का मौका मिला। इसके बाद वो मुंबई के लिए निकल पड़ी। जब पापा को इस बात की खबर लगी तो वो कंगना से बेहद नाराज हो गए और उनसे सालों तक बात नहीं की। वैसे मुंबई आकर कंगना ने 2006 में फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। इसके बाद कंगना वो लम्हे फैशन, लाइफ इन ए मेट्रो, तन्नू वेड्स मन्नू, क्रिश 3 जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन क्वीन ने उन्हें बॉलीवुड में एक अलग पहचान दी। वैसे क्वीन कंगना की पिछली फिल्में भले ही पिट गई हो, लेकिन वो अब भी बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के लिए उन्हें 21 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी और बाकी फिल्मों के लिए उनकी फीस 15 से 17 करोड़ रुपए के बीच रहती है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए कंगना की फीस 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच रहती है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में आलिशान घर बनाया है। इस घर की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जाती है। उन्होंने 10 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी थी और फिर 20 करोड़ रुपए की लागत से बंगला बनवाया था। लेकिन कंगना के इन सब चीज़ों के बावजूद वो सिर्फ विवादों के लिए ही याद की जाती हैं, या कहें कि कंगना इतनी दबंग हो गई हैं अब किसी चीज़ से डरती ही नहीं है। बाकी ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।